Hello everyone, welcome back to my channel Cooking with Swajani. अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटाने की सब्जी जो डोसे और पूरी के साथ बहुत ही यम्मी लगता है. और यहाँ पे मैं बटाने को बॉईल कर लिया है और उसके साथ दो पटाटो भी बॉईल किया है. और मैं फर्स्ट पैन चढ़ा दिया है, पैन को गर्म करने के लिए छोड़ेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल. ऑयल को मैं पहले हीट कर लूँगी. उसमें मैं ऐड करूँगी तेज़पत्ता, एक छोटा सा पीस दालचीनी का, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग. ये सबको मैं अच्छे से भून लूँगी. जीरा हमारा चटकने के बाद मैं यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा अनियन. ये बड़े साइज का अनियन है जिसको मैं चॉप किया है और इसको गोल्डन ब्राउन तक हम पकाएंगे. अनियन पकने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट. मैं इसमें 1.5 चम्मच लिया है. इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे जैसे इसका कच्चापन निकल जाए. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी भुन चुका है. और इसमें मैं ऐड करूँगी एक टमाटर, ये भी बड़ा साइज़ का टमाटर है. आप चाहो तो 2 मीडियम साइज़ का ले सकते हो. इसमें टमाटर ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है, कलर भी आता है. और टमाटर गलने के बाद हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले. यहाँ पे मैं जो जो पाउडर मसाला लिया है इसको मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. मैं लिया है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर. बस इतना ही पाउडर मसाला मैं ऐड करूँगी. और ये सबको भूनने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी काट गया है जैसे मेरा मसाला ना जले और टमाटर अच्छे से भी गल जाए. और इसको मैं ढक के पकाऊँगी. तीन मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बहुत सारा पानी निकल रहा है और अच्छे से ये गल चुका है. तो इसको मैं स्पून के थ्रू मैश करूँगी और जो भी पानी है इसको मैं ओपनली रिड्यूस करूँगी. इस तरह ही मैश करते चलेंगे. टमाटर जो भी गला हुआ है वो अच्छे से मैश हो जाएगा. और ये मेरा मसाला रेडी है. अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरा बॉइल पटाटो. इसको मैं हाथ में तोड़ के डालूंगी क्योंकि मुझे मैश पटाटो नहीं चाहिए, पीसेस पटाटो चाहिए. आप इसको कट करके भी डाल सकते हो बट मैं हाथ में कर दिया है. और इसको मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूंगी जैसे मसाला और पटाटो एक साथ हो जाए. ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पटाटो में सारा मसाला लग चुका है. और इसमें ऐड करूँगी मेरा बॉइल बटाना जो मैं बॉईल करके रखा है. पानी के साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जैसे ये थिक हो जाए. और आपको जितना थिक चाहिए या पतला चाहिए आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो, नहीं तो थिक चाहिए तो ऐसे ही छोड़ सकते हो. और आप नमक का भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे. और इसको मैं एक बॉईल लाने के लिए छोड़ दूंगी. और ये मेरा बटाना अभी रेडी हो गया है. इसको हम मटर करी भी बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी अभी रेडी है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोसे के साथ और पूरी के साथ बहुत ही यम्मी लगता है. और इसका लुक देखिए, मेरे पास कोरिएंडर लीव्स नहीं था. आपके पास अगर कोरिएंडर लीव्स होएगा तो भी डाल सकते हो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें. मिलेंगे मेरा न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू.